JKSSB क्लास फोर्थ का फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल के एंड्रॉइड ऐप को। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद बैच में जाके बैच कोड में प्लेस करिए JKSSB क्लास फोर्थ। उसके बाद आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा और यहाँ आपको डेली बेसिस पे एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप JKSSB क्लास फोर्थ का सिलेबस एक मंथ में कंप्लीट करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड कोर्स फॉर JKSSB क्लास फोर्थ एग्जाम, जिसमें आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद नोट्स एंड ऑनलाइन टेस्ट। ज्वाइनिंग के लिए आपको इंस्टॉल करना है हमारा JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप को, जिसको इंस्टॉलेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर सर्च करिए JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल, तो ये हमारी ऐप का लोगो है। इंस्टॉल करने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। हे गाइस, तो अपने इस जनरल अवेयरनेस के कोर्स में अब हम करने वाले हैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को। इसका हम आज पार्ट वन डिस्कस करेंगे। इसके भी मैं आपको 8 से 9 पार्ट में छोटे छोटे पार्ट लाकर आपको ये समझाऊंगा। तो इस पार्ट में हम एक्सटेंट ऑफ इंडिया जो है, इंडिया का कितना एक्सटेंट है, लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फॉल करता है, ठीक है, वो सारा इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो का लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखा दूं यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल अभी हमारी इंडिया की जो है टोटल पूरी कितनी स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है गाइज। और हमारे पास अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक। ये क्या हुआ था, सबसे पहले अब जान लीजिए कि 2016 में हमारी एक एक नई स्टेट बनी थी जिसका नाम था गाइज तेलंगाना। क्या गाइज था? तेलंगाना उसका नाम था, ठीक है। ये क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश से एक और स्टेट निकली जिसका नाम था तेलंगाना, ठीक है। यहाँ के बाद क्या हो जाता है, टोटल हमारी स्टेट हो जाती है पूरी 29। फिर चल के आगे चल के क्या होता है, 2019 में, ठीक है, पार्लियामेंट में एक बिल, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का बिल पास होता है, ठीक है। उसमें से जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, इसका जो स्टेटहुड है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और इसको यूटी बनाया जाता है, ठीक है। यूटी भी इसमें से दो बनाई जाती हैं क्योंकि इसके 3 रीजन थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। अब इसका अलग अलग क्या बनाया गया, इसमें से दो यूटीज बनाई गई, एक तो इसमें से जम्मू कश्मीर यूटी बनाई गई, दूसरी इसमें से लद्दाख यूटी बनाई गई, ठीक है। दो यूटी इसमें से हो गई। अब आपका कहना होगा कि पहले हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरी थी, अब तो 9 होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि 9 होनी चाहिए, लेकिन गाइस क्या हो जाता है कि जो हमारे पास दादरा एंड नगर हवेली थी, ठीक है, और हमारे पास जो दामन एंड दीव, ठीक है, दामन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को क्या किया जाता है, इनको आपस में मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। तो अब हमारे पास यूनियन टेरिटरी कितनी है गाइज, 28 हमारे पास स्टेट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अब इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी है, इसका अपना लेजिस्लेचर है, ठीक है। और अगर लद्दाख हम देखें, लद्दाख का जो है गाइज, इसका लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे वो सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर संभालेंगे, ठीक है, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर होगा यहाँ पे अपना लेजिस्लेचर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, जैसे कि अभी आप दिल्ली में देखते हैं, ठीक है गाइस। ये यहाँ तक क्लियर है, तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हो गया इंडिया के बारे में, अब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हैं, ठीक। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मेन लैंड है उसमें हमारा इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है। अब ये एक्सटेंड करता है कहाँ से कहाँ तक, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ठीक है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड। तो मैं आपको गाइज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। तो गाइज देखिए, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, इसमें कुछ लाइंस आपने खींची हुई देखी होंगी, कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारी लाइंस यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो जो
ये वाली लाइन जो होती है गाइज, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं गाइज, याद रखना, इन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। और जो ये लंबी लाइनें होती हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझाने का मकसद मेरा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये 8°4 यानी कि नॉर्थ में ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, और इस लैटिट्यूड के बीच में, ठीक है, इस लैटिट्यूड के बीच में यानी कि इस लैटिट्यूड के बीच में यहाँ से यहाँ तक ये फॉल करता है। ठीक है, ये देखो, इस लैटिट्यूड के बीच में इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है पूरा फॉल करता है। अब इसके बाद 68°7 ईस्ट यहाँ से लेकर और 97°15 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, ये इस तरह से यहाँ पर इसके बीच में इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है हमारा गाइस लाई करता है। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट जो है उसका साइज कितना है, इसका एक्सटेंट कहाँ तक है। ठीक है, नॉर्थ में कहाँ तक है, साउथ से कहाँ, मतलब कि साउथ में देखे जाए तो वहाँ पर कहाँ पर है हमारा इंडिया, कहाँ तक हमारा इंडिया एक्सटेंड करता है, कहाँ तक इंडिया फैला हुआ है। ठीक है, तो नॉर्थ से अगर हम साउथ की तरफ देखें, ये कंटिनेंट जो है 3200 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें तो ये एरिया जो है हमारा 3200 किलोमीटर का है। ठीक है, और अगर हम एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट इट इज 3000 किलोमीटर। ठीक है, 82°30 ईस्ट मेरिडियन हेल्प इन कैलकुलेटिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो मैं आपको पहले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ये जो 82° यहाँ पर 13 दिया हुआ है तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। इसके बारे में समझाने से पहले आपको ये ग्रीनविच मीन टाइम समझना होगा। ठीक है, अब ये ग्रीनविच मीन टाइम क्या है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, आपने अपनी घड़ियों पे IST देखा होगा, तो GMT भी आपने कहीं पे, अगर रेलवे अगर प्लेटफॉर्म पे गए हो आपने वहाँ पे GMT भी देखा होगा। ठीक है, अब ये GMT है क्या, जब बड़े बड़े जो यहाँ पर क्या थे, जो जियोग्राफर्स थे, अब उनको क्या करना था, टाइम का पता करना था कि टाइम अब किस तरह से, अगर यहाँ पे जाना है यहाँ पे क्या डे होगा, यहाँ पे जाना होगा यहाँ पे क्या डे होगा, तो इस तरह से उनको क्या है टाइम की दिक्कत आ रही, टाइम की परेशानी आ रही थी। उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी जगह रख लें, ठीक है, जहाँ पे हम एक ऐसी 0° पे कोई जगह रख लें। ठीक है, तो जहाँ पे हम एक टाइम हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। ठीक है, उस टाइम को हम सेट कर देंगे तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर भी टाइम सेट करेंगे, यहाँ पर टाइम सेट करेंगे कि यहाँ पर क्या टाइम होगा और यहाँ पर वेस्ट में क्या टाइम होगा और ईस्ट में क्या टाइम होगा। ठीक है, तो उन्होंने ग्रीनविच एक जगह है, ठीक है, ग्रीनविच करके उन्होंने एक जगह है वहाँ पे वो सब जियोग्राफर मिलकर उन्होंने सोचा कि ग्रीनविच एक लगा है, यहाँ से एक लाइन हम खींचते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या रखते हैं यहाँ पे, जिसको हम टाइम रखते हैं, जिसको हम क्या रखेंगे टाइम की बुनियाद, इसको यहाँ पर हम बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से जब चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है 15° क्या है, 15° है जब हम इस तरफ चलते हैं या इस तरफ चलते हैं। ठीक है, इस तरफ चलते हैं तो हमारे 4 मिनट क्या है गाइस, 4 मिनट जो है हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 15° चलने से हमारा जो है 4 मिनट का टाइम जो है वो गाइस बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे ही जब हम आगे चलते हैं, जब हम इंडिया का टाइम जो है 0° से लेकर जब हम कहाँ पहुंच जाते हैं 82° क्या है गाइस, 82°30 पे पहुंच जाते हैं, तो तब ये टाइम जो मैंने आपसे कहा, ठीक है, ये 4 मिनट का टाइम जो है यहाँ पर आके 5 hours 30 minutes में गाइस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ग्रीनविच से लेकर, ठीक है, जो ग्रीनविच की लाइन है उससे इंडियन स्टैंडर्ड की जो लाइन खींची हुई है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन खींची हुई है उसका जो हमारा यहाँ पे जो ये डिग्री आती है वो क्या है गाइस, लॉन्गिट्यूड की जो हमारी डिग्री आती है वह 82°30 पे हमारा टाइम सेट किया गया है। ठीक है गाइस, तो आपको पूछा अगर जाएगा क्वेश्चन कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना दूर है, तो गाइस आपको याद रखना है कि 5 घंटे 30 मिनट का टाइम है। ठीक है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कौन से लॉन्गिट्यूड पे यहाँ पर है, तो वह गाइस 82°30। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, दिस वेरी मेरिडियन 82.5° ईस्ट डिक्टेट टाइम इन श्रीलंका एंड नेपाल आल्सो। तो इसी यही टाइम जो है श्रीलंका में भी देखा जाता है और नेपाल में भी देखा जाता है। ठीक है,
अब जो हमारी पॉलिटिकल डिवीजन जो है इंडिया की, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, वो किस तरह से है वो भी मैंने आपको बता दिया गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पोजीशन क्या है इंडिया की, ठीक है, और इंडिया की एक्सटेंट क्या है और इसकी लोकेशनल एडवांटेज है क्या। तो जो है इंडिया जो है एक लार्ज कंटिनेंटल लैंड मास जो है हमारे पूरे यूरेशिया में क्या करता है, एक बनाता है। देखो यूरेशिया क्या है, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है, इन दोनों को मिलके बनता है यूरेशिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एशिया में एक रशिया का जो है सबसे बड़ा जो अगर हम कंट्री देखते हैं वो रशिया है। रशिया में क्या है, यूराल माउंटेन्स है, ठीक है, जो यूरोप को और रशिया को यानी कि एशिया को यूरोप से अलग कौन से माउंटेन करते हैं, यूराल माउंटेन करते हैं, लेकिन वो माउंटेन कुछ यूरोप में भी हैं तो और कुछ एशिया में भी हैं, तो इसलिए इस हिस्से को क्या कहा जाता है, इस हिस्से को यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। अब जो हमारी जो कंट्री है, हमारे जो इंडिया है, अब इसकी एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ में कश्मीर है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपने सुना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर में तू कन्याकुमारी, ये आपने सॉन्ग भी सुना होगा, ठीक है, सॉन्ग सुनने में तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो जो एक कंट्री है ये एक्सटेंड करती है कहाँ से, नॉर्थ में कश्मीर है और साउथ में कन्याकुमारी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस साइड हमारा अरेबियन सी है, ठीक, इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है गाइस, ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये हमारा वेस्ट वाली साइड पे है, ये हमारा ईस्ट वाली साइड पे है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आज से पहले एग्जाम में, आपको पूछा जाएगा कि बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्टर्न साइड में है या वेस्टर्न साइड में है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है हमारी कंट्री की वो क्या है, 8°4' नॉर्थ में, देखिए अब लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है, नॉर्थ में अगर हम देखें, ठीक है, तो नॉर्थ में हम कहाँ पर फॉल करते हैं, 8°4' नॉर्थ में, उसके बाद साउथ में अगर हम देखें तो 37°6' नॉर्थ में भी, ये भी हम नॉर्थ में ही फॉल करते हैं, ठीक है, हम नॉर्थ में ही फॉल करते हैं। देखिए गाइस अब हम नॉर्थ में ही फॉल क्यों करते हैं, ये छोटा सा मैं यहाँ पर ग्लोब बनाता हूँ, ठीक है, ये है हमारा यहाँ पर इक्वेटर, ठीक है। अब इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, इस नीचे वाले इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब जो इंडिया जो है वो नॉर्थ में ही लाई करता है, इंडिया जो है वो नॉर्थ में ही लाई करता है, यानी कि इक्वेटर के ऊपर ही है, इसलिए इसका जो ये एक्सटेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 8°4' नॉर्थ से लेकर 37°6'। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है गाइज, यहाँ पे अपन की 0° हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है, यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ता है, तो यही हमारा इंडिया जो है यहाँ पर फॉल करता है, तो यहाँ से 8° यहाँ पर फॉल आ जाएगा, 37° थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यानी कि नॉर्थ में ही इंडिया जो है वो फॉल करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आपने समझ लीजिए कि रटना ही है। लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट कितनी है हमारी, जो अभी मैंने आपको कहा कि 8° 4' नॉर्थ से लेके 37° 6' नॉर्थ तक। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कितनी है, यानी कि लॉन्गिट्यूड में हम कहाँ से कहाँ तक फॉल करते हैं, ठीक है, 68°7' ठीक टू 37°25' ठीक है, ये भी हम ईस्ट में ही फॉल करते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारी ग्रीनविच जो मीन टाइम है, ठीक है, उसके इस तरफ जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा और उसके इस तरफ जो है हमारा गाइस क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर, तभी हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है ये भी किस में आता है, ईस्टर्न कंट्री। अगर हम अगर पूछे तो इंडिया जो है वो एक ईस्टर्न कंट्री है, ऐसे ये साउथ ईस्ट में आता है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, नॉर्थ से लेकर ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना एक्सटेंट है हमारे इंडिया का, तो ये गाइस आपको याद रखना है 3214 किलोमीटर, नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना है वो है गाइज हमारा 3000 किलोमीटर, ठीक। ईस्ट से वेस्ट की एक्सटेंट कितनी है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 300 बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंडिया, जो हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, जो हमारा पूरा मेनलैंड इंडिया है उसकी पूरी कोस्ट लाइन कितनी है, 6100 किलोमीटर उसकी कोस्ट लाइन है। अगर हम टोटल कोस्ट लाइन देखें,
ठीक है, टोटल पूरी कोस्ट लाइन देखें जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसको मिला के जो हमारी कोस्ट लाइन बनती है, ये बनती है 7516.6 किलोमीटर। पूरी स्टेट कितनी है 28, यूनियन टेरिटरी कितनी है हमारी 8, ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद पूरे हमारे बे ऑफ बंगाल में पूरे कितने आइलैंड हैं, पूरे कितने द्वीप हैं 204, और पूरे अरेबियन सी में कितने आइलैंड हैं 43, लैंड नेबर कितने हैं हमारे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, ये सब क्या है हमारे लैंड नेबर हैं। इसके साथ साथ गाइज हमारा एक और नेबर भी है श्रीलंका, ठीक है, पूरी हमारी कितनी नेबरिंग कंट्री हैं, 8 नेबरिंग हमारी, 8 नेबर्स हमारी कंट्री हैं। स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, अब वो स्टेट जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है, जिसका मतलब कि जिसका इलाका सबसे ज्यादा समुद्र के साथ लगता है, तो है गाइज गुजरात, ठीक है, कौन सी है, गुजरात। उसके बाद एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर है, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो क्या है, वो वॉल्केनो जो है जो मतलब के फटता ही रहता है, ठीक है, साल के बाद, दो साल के बाद, मतलब कि 5 साल के बाद वो फटता ही रहता है। तो गाइज वो कौन सा है वॉल्केनो है, बैरन आइलैंड कहाँ पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड में है ये। साउदर्न मोस्ट टिप कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट इन ग्रेट निकोबार, ठीक है, जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पे एक इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, एक सुनामी आई थी उसमें ये सबमर्ज हो गया था, ठीक है, उस सुनामी में ये सबमर्ज हो गया था। तो ग्रेट निकोबार में साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद साउथर्न मोस्ट टिप मैनलैंड, अब साउथर्न मोस्ट का जो मैनलैंड टिप है वो कौन सा है, कन्याकुमारी। नॉर्थर्न मोस्ट कौन सा है, इंडिया, इंदिरा कॉलोनल जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये हमारा नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्ट वाली साइड कौन सा पॉइंट है इंडिया का, वो है वेस्ट ऑफ ग्वार मोटा, ठीक है, ग्वार मोटा इन गुजरात, गुजरात में ग्वार मोटा उसके वेस्ट में एक जगह है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में किपिधू, ठीक है, किबिथू करके एक जगह है, वो ईस्टर्न पॉइंट है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है थ्रू मिडल ऑफ द कंट्री, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में समझा दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है क्या है। देखिए गाइस सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेटर है, ठीक है, दो हिस्सों में इसने डिवाइड किया है, उसके बाद जो है हमारा उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह हमारा साउथ में भी एक लाइन आती है, वो भी इतने ही डिग्री पे होती है, 23.5 डिग्री साउथ, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या बोलते हैं गाइस, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो इंडिया जो है ये हमारा कहाँ पे लाई करता है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, मैंने कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पूरा हमारा इंडिया के बीचों बीच निकलता है, ठीक है, पूरा इंडिया के बीचों बीच निकलता है, और कितनी स्टेटों को क्रॉस करके निकलता है गाइस, 8 स्टेटों को ये क्रॉस करके निकलता है, ठीक है। लोकेशन जो है याद रखिएगा, 8 स्टेटों को क्रॉस करके जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। लोकेशन जो है हमारी कंट्री की, ठीक है, इज इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हमारी कंट्री की जो लोकेशन है वो कौन से हेमिस्फीयर में है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इस तरह से अगर आप बनाएं, यह हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यह हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, और यह हमारा ईस्टर्न, और यह हमारा वेस्टर्न, ठीक है। तो ईस्ट वाली साइड में आते हैं हम, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। उसके बाद अब इंडिया का साइज अगर हम देखें एरिया और पॉपुलेशन में वो कितना है, अगर हम एरिया में अपने इंडिया को देखें तो सबसे बड़ा एरिया में, सबसे एरिया में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रशिया है, ठीक है। तो हमारा एरिया में इंडिया की, इंडिया का साइज कौन सा है, 7वां साइज है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे इंडिया में। उसके बाद एरिया जो है इंडिया का नियरली इक्वल टू द एरिया ऑफ द कंटिनेंट ऑफ यूरोप एक्सक्लूडिंग रशिया, ठीक है। इंडिया का जो एरिया जो है वो पूरे कंटिनेंट जो है यूरोप का उसको मिलाकर पूरा इंडिया का एरिया बनता है, अगर हम देखें तो रशिया को इसमें से बाहर निकाल के, ठीक है, रशिया को यहाँ पर नहीं लाना है। तो अगर इंडिया का जो एरिया है वो पूरे यूरोप में, यूरोप के बराबर है। तो इंडिया जो है, जापान जो कंट्री है, ठीक है, उससे 8 गुना बड़ी है, ठीक है। और इंडिया का जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन में अगर हम देखें, ठीक है, आबादी में अगर हम देखें तो इंडिया जो है गाइस वो सेकंड नंबर पे है। कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना, फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना। तो इंडिया में क्या है, 1/6 हिस्सा
पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। अगर 6 हिस्से पॉपुलेशन पूरी है, उसमें से 1 हिस्सा पॉपुलेशन जो है वो गाइज किसका है, इंडिया का है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर, में हमने इंडिया के एक्सटेंट के बारे में जाना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जाना, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने गाइज इस वीडियो में डिस्कशन किया। तो अगली वीडियो में मैं आपको फिजिकल डिवीजन जो है इंडिया की, ठीक है, वो समझाऊंगा गाइज। तो वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं गाइज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।